आर्यन खान को ड्रग्स केस में छुड़ाने के लिए 25 करोड़ की रिश्वत मांगने, आय से ज्यादा संपत्ति और भ्रष्टाचार के दूसरे मामलों में सीबीआई ने समीर वानखेड़े से शनिवार को सीबीआई ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। उन्होंने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन इन 5 घंटों में सीबीआई ने वानखेड़े से कौन कौन से सवाल पूछे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। हमें हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुबह 10:30 बजे पूछताछ शुरू हुई और 1:30 से 2 बजे तक चली। फिर 2:30 बजे से शुरू हुई पूछताछ शाम 5:30 बजे तक चली। सीबीआई के सूत्रों से हमें जो सवाल पता चले हैं उसमें पहला बड़ा सवाल ये था कि वानखेड़े शाहरुख खान से फोन कॉल पर कितनी बार बात करते हैं। फिर दूसरा सवाल ये था कि इस केस को लेकर आप शाहरुख खान से मिले हैं क्या, अगर मिले हैं तो कितनी बार मिले हैं। फिर तीसरा सवाल ये पूछा गया कि शाहरुख खान की मदद करने के लिए आप कैसे बातचीत कर रहे थे। चौथा सवाल ये था कि शाहरुख खान और आपके चैट में शाहरुख खान किस बात के लिए बार बार धन्यवाद कह रहे थे। इसके बाद पांचवा सवाल ये था कि इस मामले में 18 करोड़ की डील को लेकर आपके पास क्या जानकारियां हैं। फिर सीबीआई के अधिकारियों ने पूछा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आपने गिरफ्तार क्यों किया था। इसके बाद पूछा गया कि आर्यन खान के अरेस्ट होने के बाद शाहरुख खान की मैनेजर से आपने कितनी बार बात की, उनके साथ आपकी क्या बात हुई। इन सवालों के जवाब समीर ने क्या दिए इसकी जानकारी अभी नहीं लग पाई है, लेकिन फिर ब्रेक ले लिया गया था। ब्रेक के बाद करीब 2:30 बजे फिर पूछताछ शुरू हुई। इस बार सीबीआई ने वानखेड़े की विदेशी यात्राओं पर सवाल किए। सीबीआई ने पूछा, आप पिछले कुछ महीनों में करीब 7 बार विदेश दौरे पर गए, ये यात्राएं किनके खर्चे पर हुई। फिर सवाल ये कहा गया, आपकी प्रॉपर्टी आपकी सैलरी से ज्यादा है क्या, अगर हाँ तो आपके पास ये सब कहाँ से आया। सीबीआई ने फिर पूछा कि आपके पास लाखों की घड़ियां कहाँ है, ये कहाँ से आई। इनके जवाब क्या आए ये तो नहीं पता लग पाए, लेकिन सीबीआई के अधिकारी शाहरुख से हुई 18 करोड़ की डील के सवाल पर आ गए। इस बार सीबीआई ने पूछा है कि 50 लाख रुपए जो 18 करोड़ की डील के एडवांस के तौर पर लिए गए थे उनमें से 12 लाख रुपए आपको दिए जाने का आरोप है, इस पर आप क्या कहेंगे। फिर सवाल दागा गया कि किरण गोसावी और प्रभाकर सेल 50 लाख रुपए लेने के लिए गए थे, उस वक्त काम हो गया है ये कहकर उनकी आपसे फोन पर बातचीत होने का आरोप है, इस पर आप क्या कहेंगे। सीबीआई ने आगे पूछा कि आर्यन खान ड्रग्स केस में 27 लोगों की लिस्ट थी लेकिन सिर्फ 10 लोग को अरेस्ट किया गया, बाकियों को छोड़ने के लिए आपने पैसे लिए, ये आरोप है लेकिन सच है क्या। इसके बाद सीबीआई ने पूछा कि आर्यन खान के अरेस्ट होने के बाद पूजा ददलानी से पैसे लेने का लेन देन हुआ था, इसके पीछे आपका हाथ होने की बात कही जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे। सीबीआई ने आखिरी सवाल किरण गोस्वामी के जवाब का हवाला देते हुए पूछा कि किरण गोस्वामी का कहना है कि आपके निर्देश पर ही उसने पैसे के लेन देन की बात कही थी, इस आरोप पर आप क्या सफाई देंगे। तो सवाल सीबीआई ने समीर वानखेड़े से पूछे थे, इन सवालों के जवाब की जानकारी जैसे ही हमें लगी हम आपको बता देंगे, लेकिन 5 घंटे की पूछताछ के बाद समीर वानखेड़े रात के 9 बजे के करीब वानखेड़े गणपति बप्पा का दर्शन करने सिद्धि विनायक पहुंचे। तो ये था अब तक का अपडेट, आगे की जानकारी हमें जैसे होगी हम आपको जरूर देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।